हाउ आर यू आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे वेलकम बैक टू माई चैनल अच्छा जी आज की वीडियो क्या है आज की वीडियो क्या है अच्छा टाइटल तो आपने देख ही लिया आप सबको तो पता ही है कि आज की वीडियो क्या है लेकिन आज की वीडियो में जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो आपको है समर मेकअप ट्यूटोरियल और समर मेकअप ट्यूटोरियल में आपको अपना मेकअप यानी कि बेस लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है स्वेट प्रूफ कैसे बनाना है तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना इसके अलावा जो है मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ डीएम कर सकते हो डायरेक्टली कोई सवाल करना हो तो और यार सपोर्ट किया करो इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हो सपोर्ट भी नहीं करते हो आप लोग अच्छा जी वीडियो में जो कुछ भी मैं सिखाने जा रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपने अपना स्वेट प्रूफ मेकअप कैसे करना है एज अ ब्यूटिशन आपको जो है मेकअप कैसे करना चाहिए किसी का अगर किसी की स्किन ऑयली है तो ये हैक इसके अंदर एक चीज़ है एक हैक है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है उसको ट्राई करना है और अगर कोई बात समझ ना आए तो आपने मुझे दी और कॉमेंट करना है ठीक है बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ठीक है चलो वीडियो स्टार्ट करो तो मेरी प्यारी 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 सी लड़कियों देख सकते हो मेरे पास एक प्यारी सी गोलू मोलू सी मॉडल इस मोलू को जो है ना मैंने करना है सिलमैन स्मार्ट और सिलमेन स्मार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मेकअप से पहले फेस को करो कर प्रिपेयर प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रेट करना ज़रूरी है तो सबसे पहले आपने करना है फ़ेस वॉश जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके बाद आपने लगाना है लो मोइराइजिंग लोशन मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाऊंगी फेस थोड़ा सा ड्राई होगा तो सही हो जाएगा अगर ऑयली है तो भी आपको लगाना है थोड़ा बहुत लेकिन यहाँ आप मैं जा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप पे फेस मिस्ट अप्लाई कर रही हूँ ये भी फेस को हाइड्रेट करेगा अगर आपके पास फेस मिस्ट ना हो तो आप रोज़ वाटर का अप्लाई कर सकते हो लेकिन टोनर नहीं ठीक है फेस मिस्ट और टोनर में बहुत फ़र्क है तो स्किन को जितना हाइड्रेट करोगे बेस उतनी ही स्मूथ एंड फिनिशिंग बनेगी और उसके बाद आपने एक अच्छा सा प्राइमर लेना है मैं यहाँ यूज़ कर रही ब्यूटीफाई बाय बायमना का प्राइमर ओके लेकिन अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप ग्लैमर पार्टी क्वीन ले सकते हो अगर मेटिफाइन प्राइमर यूज़ करते हो तो वो लड़कियाँ यूज़ करें मेटिकफाइन प्राइमर जिनकी स्किन से ना ऑयल ज़्यादा आता है ऑयल जिसकी स्किन से ज़्यादा आता है उसको नीड है कि वो मैटिंग फ्रेंक प्राइमर यूज़ करें अगर आपकी स्किन से ऑयल नहीं आता आपकी स्किन ड्राई है तो सिलिकॉन प्राइमर यूज़ करें जो प्राइमर मैंने यूज़ किया है वो ऑल टाइप स्किन है बेस्ट है गुड नेक्स्ट जो है आपने लेना है एफ़ सिक्सटीन क्राइलॉन का जो कि आप देख सकते हो उसकी हालत मैंने इसको कितना यूज़ किया है कि अब जो है मैंने उंगलियों से खींच खींच कर इसको निकालना है और जो है जैसे कहते हैं ना टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले काम है <laughs> टी उंगली करके मैंने सारा इसका जो मटेरियल निकाल लिया और उसके बाद इनके फेस पे जो है जितने भी स्पॉट्स हैं ना वो सारे के सारे इस एफ़ सिक्सटीन से छुप जाएंगे ये एक कलर करेक्टिंग का काम कर रहा है क्योंकि इनके फेस पे है थोड़े बहुत स्पॉट्स थोड़े बहुत छाइयाँ जो एफ सिक्सटीन ने छुपा लेना है और दूसरी बात ये कि अगर इसकी जगह इनका बट मार्क होता तो मैं ओरिएंटल यूज़ करती एफ़ सिक्सटीन नहीं ठीक है यहाँ आप दोनों जगह देख सकते हो फर्क बिफोर एंड आफ्टर जितने भी दाग धब्बे थे इस एफ़ सिक्सटीन ने मिनटों में गायब कर दिए अब मैं इसमें फाउंडेशन वगैरह लगाऊंगी तो कोई चीज़ इनकी विजिबल नहीं होने वाली अब यहाँ पर मैंने जितनी भी फिंगर की हेल्पसिनको मैंने लगाया था फाउंडेशन इसको मैं टैप टैप करके स्किन के अंदर पैनीट्रेट करना है ठीक है स्किन के अंदर जैसे ये पेनीट्रेट हो जाएगा उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट ठीक है अब आप कह कॉम्पैक्ट क्यों पहले से लगा रही हैं तो यहाँ मैंने एक ड्राई स्पंज लिया है और ये मैंने लिया मेबलिंग का कॉम्पैक्ट पाउडर और इनको लगा दिया टी जोन एरिया पे किस लिए भाई क्योंकि यहाँ से हमारे निकलते हैं ऑयल और यहाँ से ऑयल जब प्रोड्यूस होता है तो हमारा मेकअप पे आ जाते क्रैक फटता है तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए गर्मियों में इस हैक को आपने ट्राई करना और अगर आपकी जो मॉडल है उनका फेस ऑयली है तो उनके लिए ये हैक परफेक्ट जाता है सूट करता है अदरवाइज इन जिनका फ़ेस ऑयली नहीं है उन्हें भी ये करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि यहीं से बेस हमारा खराब होना शुरू हो जाता है तो टी जोन एरिया पर हमने कॉम्पैक्ट लगा लिया कोई भी ब्रांड का कॉम्पैक्ट आप लगा सकते हो नून ऐसा नहीं कि जो मैंने यूज़ किया वही करना है आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट है आपने वो यूज़ करना है उसके बाद स्किन से स्किन के अकॉर्डिंग आपने फाउंडेशन लेना है ठीक है इनके स्किन से जो मैच होता है वो एफ एस फोर्टी फाइव था बस तो वही मैंने अप्लाई किया पूरे फेस पे और टैप करके सेट कर रही हूँ लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊँ सच यानी टू बी ऑनेस्ट इनके एरिया पे जिस एरिया पे मैंने कॉम्पैक्ट लगाया वहाँ पे जब मैं ब्लैंड कर रही थी तो उस एरिया पे ईजिली ब्लैंड नहीं हो रहा था वहाँ पर क्योंकि ड्राई हो गया क्योंकि हमने पाउडर लगा दिया और वहाँ पर क्रैक आ रहे थे तो आपने क्या करना है कि उसे फिंगर की मदद से जो है सेट करना है यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ टू हूँ रेगुलरली काम करती हूँ तो ईजिली मेरे लिए है ब्लेंड करना आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको जो है फिंगर की मदद से ब्लेंड करोगे ना हल्के हल्के हाथों से तो ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा और जिस जगह पर कॉम्पैक्ट नहीं था उधर स्मूथली ब्लेंड हुआ है ठीक है बहुत आराम से ब्लेंड हुआ है लेकिन कॉम्पैक्ट वाले एरिया पर जोन एरिया पर थोड़ा टाइम लेगा टाइम टेकिंग लेगा और आराम आराम से उस जगह को आपने ब्लेंड करना है अगर आपको फटा नजर आए तो आपने फिंगर की हेल्प से करना है और दूसरी बात एक और आइज के नीचे बहुत ही कम फाउंडेशन अप्लाई किया करें बहुत कम क्योंकि इस जगह पे आपकी ना लाइंस आ जाती है क्रीज एरिया बन जाती है जब इस जगह पे लाइंस आएगी तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा जितना कम और पतली लेयर आप लगाएंगे उतना ही आपकी आइज एरिया जो है हाईलाइट करेगी ठीक है बहुत अच्छी लगेगी फाउंडेशन पर जो है ना क्रीज नहीं आएगी अच्छा तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ लिक्विड फाउंडेशन मिस रोज का मैट में मैट में ही यूज़ करना है आपने क्योंकि सर्दियाँ नहीं हैं अब है गर्मियाँ तो गर्मियों में मैट फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है इससे आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग टिकी रहती है अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग कहोगे कि मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ मैंने फाउंडेशन तो बना लिया लेकिन मैंने बहुत ही थोड़ी क्वान्टिटी में इसको थोड़ा सा लेना है और बहुत पतली इसको लगानी है ताकि मेरे स्किन का जो मेकअप है वो फ्लोलेस हो जाएगा इसके अप्लाई करने से एक ग्लो आएगी एक शाइन आएगा और एक ग्लास मेकअप की तरह यह लुक देगा ब्यूटी से अच्छे से टैप करना है अगर आप लोग अपने घर में खुद से कर रहे हो तो आपने क्या करना है थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन लेना है और थोड़ा सा क्रैलॉन का फाउंडेशन लेके आपस में दोनों को मिक्स कर तो आपने जो है फेस में अप्लाई कर देना है ठीक है इस तरीके से आपने करना है अगर आप लोग खुद से कर अगर एज अ ब्यूटिशियन की बात करूँ तो ब्यूटिशियन को बच्चा इसी तरीके से फॉलो करना है आपने इसी चीज़ को प्रोसेस से लेकर गुजरना है तब जाके जो है आपका मेकअप एक ब्यूटी वाला लुक देगा एक ब्यूटिशन वाला लुक देगा आप पॉलर वाली लगेंगी अदरवाइज आप नहीं लगेंगी इस तरह से सिर्फ लड़कियां फॉलो कर सकती हैं जो मैंने आपको बताया जो घर में है या ऑफिस गोइंग गर्ल्स है वो कर सकती है, करना है तो हमें के साथ मिक्स करके लगाना है ठीक है यहाँ एक बात आपको बताते चलूँ कि आपने जो इस वीडियो में देखा कि मैं हैक जो अप्लाई कर रही हूँ पाउडर मैंने टी जोन एरिया पे अप्लाई किया उसके बाद जो है मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है और फिर भी ऑयल जो है आपका प्रोड्यूस होता है और आप समझो कि या मैंने जो हैक बताया था वो काम नहीं किया तो देखो ये एक लिमिटेड टाइम तक जो है फाउंडेशन को अब्ज़र्व करता है ठीक है आपके अगर फेस पे ऑयल आता है वो कुदरती एक नेचुरल निज़ाम है वो तो आएगा ही लेकिन हम इसको एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं उसको परमानेंटली हम ख़त्म नहीं कर सकते ठीक है एक तो मैं इस तरह से एग्जांपल दे चलूँ कि अगर किसी जगह पानी गिर जाता है और उस जगह पर आप टावल या कोई कपड़ा रखते हैं तो वहाँ क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है ना कि वो टावल और कपड़ा क्या करता है वो सक कर लेता है ना अपने अंदर जो पानी गिरा था तो बिल्कुल आप यही समझें कि जो फेस पर आपका ऑयल प्रोड्यूस हुआ है और उस जगह पे मैंने पाउडर अप्लाई किया है तो एक लिमिट तक उसने उसको सक करना है ठीक है और फिर जब उसका टाइम लिमिटेड ख़त्म हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि आपने एक टिशू लेना है देखिए आपने एक टिशू लेना है इस तरीके से उसको चार देखिए मैंने दो चार तरीके से इस तरीके से थोड़ा सा थिक फोल्ड कर दिया और उसके बाद जो है अपने टिशू को फिंगर के हेल्प से इस तरीके से अगर आपका ऑयल प्रोड्यूस हो तो आपने क्या करना है जहाँ से भी आपका जैसे टी जोन एरिया से ज़्यादातर ऑयल प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से आपने जो है इसको इस तरीके से थोड़ा सा दबाना है यानी कि हल्के हाथों से प्रेस करना ज़्यादा यूँ करके आपने रब नहीं करना है इसका आपका जो फाउंडेशन होगा वो सारा खराब हो जाएगा फट जाएगा उस एरिया से तो आपका अगर ऑयल प्रोड्यूस भी हो रहा है किसी इवेंट में या कहीं पर भी तो आपने इस तरीके से उसको प्रेस करना है हल्के देखें थोड़ा दबाइएगा हल्के हाथों से ज़्यादा नहीं प्रेस करना है ठीक है तो सारा जो आपका ऑयल होगा वो इसके अंदर टिश्यू के अंदर एब्जॉर्व हो जाएगा ठीक है क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट एब्ज़ॉर्व करना था उसने एक टाइम तक एब्ज़ॉर्व कर लिया उसके बाद जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है आपका वो टिश्यू से आप उसको कवर कर सकते हो इस तरह आपका फाउंडेशन आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा ठीक है अब इसके बाद हम कर रहे हैं आईज़ को आई प्राइम आई प्राइम करने के लिए आपके पास आई प्राइमर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं एज़ अ प्राइमर जो है मैं इसी फाउंडेशन की यूज़ कर रही हूँ एफ एस फोर्टी फाइव को आई के ऊपर इसके लिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हमने जब आई शेड अप्लाई करेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस होंगे बहुत पॉपअप होंगे अगर बिना आई प्राइमर के हम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली विदाउट फाउंडेशन या प्राइमर के तो उस आइज़ के ऊपर कोई भी आई शेडो लगा लो ब्रांड का भी लगा लो इतना पॉपअप होकर नहीं आता अगर अगर आप लोकल भी लगा लो ना आई प्राइम कर कर तो उसका जो आई शेड का रिजल्ट है बहुत अच्छा आ जाता है ठीक है बहुत अच्छा इन्हेंस होता है अब इसी तरीके से जब आपका सारा बेस बन जाए तो आपने लगाना है लूज पाउडर ठीक है लूज पाउडर आप टी एल नाइन भी ले सकते हो टी एल एलेवन भी ले सकते हो क्रैलॉन के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाई आमना का लूज़ पाउडर यहाँ वाइट वाला पाउडर देख के ये मत समझना कि इनका फाउंडेशन ख़राब हो जाएगा ये ऐसा ट्रांसलूसन पाउडर है कि जैसे जैसे स्किन के अंदर एब्जॉर्व होता जाएगा वो मेरा जो बनाया हुआ फाउंडेशन है वो वैसे इन्हेंस होकर सामने आएगा ठीक है क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसलूसन है एक शीशे की तरह है जो आइज के फेस के नीचे मैंने काम किया है स्किन टोन बनाई है वो ही स्किन टोन थोड़ी देर में आपको नजर आएगी ठीक तो अब यहाँ पे आईब्रो मैंने बना ली जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आईब्रो पहले बनाती हूँ उसके बाद आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो मैंने बाय आमना से आमना के पैलेट में से एक ब्राउन कलर का आई शेडो लिया आपके पास कोई भी पैलेट हो बस आपने ब्राउन वाला शेड लेना आईज इनकी थोड़ी सी पफी थी तो मैंने यहाँ पर देखे ये डी बनाया डी बना के थोड़ा सा ब्लाइंड आउट करना शुरू कर दिया ठीक है आप दूसरी वाली आइस पर देखिए क्रीस लाइन नज़र आ रही होगी आपको मैं यही आपको कह दी अगर आइस के नीचे का पतला आई शेडो ना आई बेस ना बेस ना लगाया जाए तो आई क्रीज़ आ जाती है ठीक है लेकिन मैंने अभी से पाउडर नहीं लगाया इसको लॉक नहीं किया है पाउडर लगा के हम जो है बेस को लॉक करते हैं तो यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ आई फिंगर से फिर से जो है ब्लाइंड आउट किया और उसके बाद सेम मैंने डी बनाया ब्राउन कलर के शेड से आइस को डैप देने के लिए ठीक है क्योंकि पफ़ी आइज़ है ना हमने ज़्यादा इस पर मेकअप नहीं करना आईज पे और क्योंकि हमने इवे, इन, इवेंट के लिए इनको इस तारीख के लिए तैयार करना है पार्टी मेकअप आप कह सकते हो तो इसको बस सिंपल से हमने मेकअप करना आईज का बस डी शेप देनी है आईज को आपने किसी भी आ, डार्क शेड से मैट शेड से आपने डेप देना होता है सबसे पहले आप याद रखें जो भी आपको आइस को क्रिएट करना होता है वो होता है हमारे मैट शेड ठीक है इसके बस काशिश के पैलेट में से इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच करता हुए मैंने ग्रीन शेड लिया शिमर शेड है ये मैंने आईज के ऊपर अप्लाई कर दिया पूरी आई पे ठीक है लेकिन जो आईज़ कि नीचे जो मैंने डी बनाया ना उस डी के अंदर क्रीस एरिया के अंदर रखते हुए मैंने लगाया और जो हार्श लाइन आ रही थी उसको जो है आपने ब्लेंड करना है हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए ठीक ऐसे ही अगर जिस तरह से मैं आई शेड लगा रही हूँ ब्लैंड होने के बाद ना ये थोड़ा सा इसकी जो आ, शाइनिंग है वो कम हो जाती है तो उसको मजीद पॉप अप करने के लिए हमने थोड़ा सा आई शेडो लगाया बस हल्का सा एक से दो ब्रश ऊपर से ना आई शेड की जो मैंने लाइन आई ना वो हटा दी ब्लैंडिंग नहीं की है मैं फिर से क्या

ठीक इस तरीके से लगा के हल्का हल्का आपने ब्लेंड करना है बस तीन आई शेड्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं शेड्स तो मैंने दो ही अप्लाई किए एक हाईलाइटर अप्लाई किया है ब्रोवन पे तीन करके ये तीन बस फिर जो हमारा आई मेकअप डन है इसके बाद आपने लैशेस लगाने से पहले आई लाइनर का जो है यूज़ करना ज़रूरी है वरना तो, तो आपकी आइस के नीचे से एक लाइन नज़र आना शुरू हो जाती है आई लैश लगाते हो आप लोग डायरेक्टली अगर आप लोग को लाइनर नहीं पसंद लेकिन अगर लाइनर पसंद है नहीं पसंद है ये आपके पास चॉइस नहीं है आपने जो है लाइनर बिल्कुल पतला सा भी करके आई के नीचे लगाना है आई अगर लगा रहे हो तो ये आपके पास ऑप्शन है अगर ब्यूटिशन ब्यूटी पार्लर वाली हैं तो आप आई अपने कस्टमर को ज़रूर अप्लाई किया करें इससे आपका जो है आई मेकअप का लुक डबल ट्रिपल हो जाता है एक ब्यूटी लुक आप क्रिएट करते हो अगर आप घर में कर रहे हो तो ये आपके पास ऑप्शन है अगर आप चाहें तो लगाएं ना चाहें तो ना लगाएं पर एज अ ब्यूटिशन अगर आप उसे लगा लेते हो आई को तो आप एक सैलून वाला मेकअप क्रिएट लुक करते हो अदरवाइज क्या है ना कि वो सैलून जैसा मेकअप नहीं लगता वरना लोग ये कहेंगे कि आप तो घर से तैयार होकर मुँह खुद ही तैयार होकर आ गए हो लेकिन लगा लोगे तो अच्छी बात है बस ये आपके पास ऑप्शन भी है देखिए आइस के नीचे भी मैंने वही ब्राउन वाला शेड लगाया आइस के नीचे भी मेकअप जरूर किया करें और अंदर न्यूट पेंसिल लगा रही हूँ ठीक तो इससे क्या होता है आपकी आइज़ मज़ीद जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाती है उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ इनके गोलू गोलू से फेस को स्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं स्लिम करने के लिए सिर्फ आपने एक ब्राउन कलर का कंट्रोलिंग शेड लेना है आप पैलेट है तो ठीक है नहीं है तो आप आई पैलेट में से भी ब्राउन कलर का कंट्रोलिंग शेड ले सकते हो इसी तरीके से मैं इनके चीक वाले एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ देखें यहाँ से जो इनकी थे चीक है जॉ लाइन है यहाँ पे इससे मैं नीचे की तरफ ब्लैंड करूँगी ठीक है बड़ा सा मैंने एक ब्रश लिया और नीचे की तरफ ब्लैंड करती जाऊँगी पहले और इसी तरीके से जो माथे पर है उसे भी यहाँ पे मैंने वीडियो का मोशन भी स्लो किया ताकि आप लोगों को पता लगे जो माथे वाला साइड है उसे ब्लैंड आपको बालों के अंदर करना है और जो हमारा चेक बोन वाला चेक बोन कह रही हूँ जॉ लाइन वाला जो एरिया है उसे नीचे की तरफ और ये जो हमारा चीक वाला एरिया है इसे आप देखिए मैं ऊपर की तरफ ब्लाइड कर रही हूँ इसे नीचे की तरफ ब्लाइड नहीं करना है बस इस दे इस कंट्रोलिंग को आप देख लें कि किस साइड पे कौन सी जो है शेड को ब्लाइंट किया जाता है तो आपका कंट्रोलिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी अब मैं यहाँ पर ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ पिंक और उसको मैच करते हुए हल्का सा पिंकिश सा टोन है इसके अंदर उसको लगा रही हूँ इस तरह से इनका जो एप्पल जो है ना चीक बन जाएगी थी और नोज़ कंट्रोलिंग करने के लिए देखिए मैंने सेम वही वाला ब्रश लिया और आगे से इसको जो है मैंने प्रेस कर दिया तो ये जो है इजीली अप्लाई हो गया ठीक है अगर आप चाहें तो नोज़ कंट्रोल कंट्रोलिंग के लिए छोटा ब्रश वग़ैरह भी यूज़ कर सकते अगर आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं तो इस तरह से इनका फेस देखिए कंट्रोलिंग फाउंडेशन आई मेकअप के साथ डन हो चुका है अब मैं जो है आई वगैरह मुझे अप्लाई करने वो भी मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ यहाँ हाईलाइटर जो है मिस Uh, क्या ब्यूटीफाई बाय आमना का ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बस हाइलाइटर इसलिए लगा रही हूँ कि यार जहाँ ये दावत में जाएंगी जिस इवेंट में ये जाएंगी वहाँ अपने साथ लाइटें लेती हुई जाए क्या पता लोड शेडिंग हो जाए <laughs> तो इस लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हाई अप्लाई कर रहे हैं <laughs> लिप पे चिन पर और चीक पे अच्छे से अपना अप्लाई कर देना और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इनके फेस पे अगर कुछ है तो वो मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ ठीक है और यहाँ हमने ले लिया है एक सुपर डुपर से आई अच्छा मार्केट में इजीली अवेलेबल है फाइव डी सिक्स डी के नाम से ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाती है आई आपने अप्लाई करना है और ग्लू जो है यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट टच का ग्लू बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ग्लू है उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है सालों से पॉलर में ना स्वीट टच का ग्लू यूज़ किया जा रहा है हर ब्यूटिशन यूज़ करती है परफेक्टली यूज़ होता है यानी कि अब इसका रिज़ल्ट बहुत आला है ठीक है कहीं नहीं जाता आपका यानी कि आई अगर आप सही से अप्लाई करते हो ग्लू को ठीक है अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मुझे बताना मैं कमेंट करके बताऊँगी कि आई ग्लू को और आई को कैसे फैना यूज़ किया जाता है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना शेयर भी करना और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना इतनी मेहनत करके वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अच्छा अब इसको प्रेस करके मैंने हल्का सा उसको टाइट कर दिया आप देखें आई लैश बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो गई आई लैशेज लगते ही आइज़ के अंदर क्या बूम सा लुक आया है ना सही कह रही हूँ ना और लाइटें लगाने से अलग लुक आ गया अच्छा जी तो उसके अलावा जो है आप जब भी लिपस्टिक लगाएं तो आप एक दफ़ा लिप्स को लिप शेप ज़रूर दिया करें किसी भी लिप पेंसिल से अकॉर्डिंग टू तो लिपस्टिक शेड जो आप लगा रहे हैं उससे एक टोन ऊपर या एक टोन नीचे में आपने लिप को जो है पेंसिल से कवर किया करें उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर दी अच्छे से इनके होटों के हिसाब से फिर इसके बाद जो है इनको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए आपने करना है आई अप्लाई इनसे मिलता हुआ एक आई लेना लिपस्टिक से मैच करता हुआ और यहाँ मैंने थोड़ा सा शिमर वाला जो है लिपस्टिक का जो ऊपर है वो शिमर वाला शेड अप्लाई कर दिया ताकि थोड़ी सी ये भी चमचमाती हुई नजर आए अच्छा लगेगा और लिपस्टिक इससे क्या होगी ना लॉन्ग लास्टिंग लग जाएगी खाओ पियो मंड के डका लो जबरदस्त ठीक है लिपस्टिक कहीं नहीं जाने वाली अच्छा तो कुरियर चलते हैं हम अपने फाइनल लुक की तरफ यहाँ आप देख सकते हो हमारा फाइनल लुक बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर देखिए हमारी गोलू मोलू से जो मॉडल थी हमने उसको कितने अच्छे से रेडी कर दिया फेस को कितने अच्छे से स्लिम कर दिया दाग दबो कैसे गाइब कर दिया तो चैनल को लाइक कर दें एक अच्छा सा प्यार से कॉमेंट कर दें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अच्छे यहाँ पर है साइमा चटखारे के नाम से इनका चैनल ये यूट्यूब पर नहीं है इन्हें हमारे और आपके प्यार की जरूरत है सपोर्ट करना मत भूलिएगा फिर एक और नई वीडियो में मिलती हूँ अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखें में याद रखें